स्टाइल कुकिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा रेसिपी है फिश मसाला। ये बनाने के लिए मैंने फिश को मैरिनेट करके रखा है हल्दी नमक मिर्च में, और हमारा पैन में तेल गर्म हो रहा है, और इसमें अब हम फिश को अपना फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और इसे ढक कर पकाएं ताकि ये आपके हाथ में ना लगे। तो अब हम अपने मसालों की तैयारी कर लेते हैं। फिश मसाला बना रहे हैं तो इसके लिए ग्रीन पेस्ट बनता है, तो इसके लिए हमें हरी धनिया, लहसुन, अदरक, कटी हुई प्याज, मैंने एक प्याज का यूज़ किया है, हरी मिर्च आप अपने अनुसार कर सकते हैं, धनिया, गोटा धनिया अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना ये ऑप्शनल है, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा दो तरह का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, एक ये धनिया पत्ती का पेस्ट और ये टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ दो टमाटर का यूज़ किया है, और हमारा मछली यहाँ फ्राई हो रहा है। फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। हमारा फिश अब फ्राई हो चुका है, और अब हम एक पैन में ऑयल डाला हुआ है, उसी ऑयल में हम डालेंगे जीरा, गोटा जीरा, और इसे पकने देंगे थोड़ी देर तक। इसमें रेड कलर आ जाएगा तो हम हमारा डालेंगे ग्रीन पेस्ट, जो कि हमने धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज का बनाया है, और हम इसमें डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे, और फिर इसमें डालेंगे मसाला। इसमें हमारा मसाला, हल्दी पाउडर मैंने एक चम्मच लिया है, धनिया पाउडर ये भी एक चम्मच है, जीरा पाउडर हाफ चम्मच, मिर्ची पाउडर ये भी एक चम्मच है, और हमारा कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए ये भी एक चम्मच है, और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे, इसमें कलर आने तक पकाएंगे इसे अच्छी तरह। मसाले में अच्छा कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर का पेस्ट, और इसे ढककर थोड़ी देर तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा मसाला पक चुका है काफ़ी अच्छी तरह से, इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्वाद अनुसार सॉल्ट, इसे अच्छी तरह से मिला लें, और हम अब डालेंगे इसमें एक कटोरी पानी ग्रेवी बनाने की। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो इसमें कम पानी का यूज़ करें। और इसमें उबाल आने तक इसमें इसे पकने देंगे। हमारी ग्रेवी में अब उबाल आ चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ मछली। और इसे थोड़ी देर तक ढककर पकने देंगे, और फिर हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो मैंने इसे प्लेटिंग कर दिया है। अगर आपको मेरा ये फिश मसाला की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।